हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सरताज सर और आज आपके लिए कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज की सुबह मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कुछ बना दूँ, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे कुछ टेस्ट लिए थे। ये टेस्ट पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है सेकेंड ईयर का, और ये क्वेश्चन पेपर है सेकेंड फाइनल का, और ये है फर्स्ट ईयर का। तो ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को बनाकर मैंने दिया और कहा कि आप टेस्ट दो, जरा देखें कितने पानी में हो। और तो डरने की जरूरत नहीं है, ये आने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये किसी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिस पर मैं टेस्ट लेता हूँ। और स्कूल कॉलेज में मिलता है 3 घंटे का टाइम पेपर शॉर्ट आउट करने के लिए। मैंने दिया 2.5 घंटे का टाइम, और मैंने देखा वो ओपनिंग पोल करके, एग्जिट पोल करके, कि देखते हैं कितने नंबर आपके आने वाले हैं और क्या क्या हो रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट, 300 टेस्ट आज सारी रात में चेक करता रहा। अभी 300 टेस्ट में से अराउंड 10 टेस्ट ऐसे निकले हैं जिनके मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और गलतियां क्या हुई या आपके साथ भी हो सकती हैं उन्हें शेयर करना चाहता हूं। तो चलो बिना बकबक करे अब जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन पेपर मैं अपने पास रख लेता हूं, और यहां पर बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको चेक करना है अभी और चेक भी हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मकसद किसी बच्चे की पहचान उजागर करना नहीं है। बस आप नाम ज़रूर जान जाएंगे, वो भी लिखा होगा, इससे आपको ये पता नहीं चलेगा बच्चा कौन है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि लड़की का मेरे पास टेस्ट पेपर हाथ में है, और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये रहा, आप देख रहे हैं, और नंबर आप देख रहे होंगे, अच्छा इसमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट कैमरा ऑन है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए 42 मार्क्स आए हैं, और 42 मार्क्स का मतलब ये है कि कम आए हैं। पासिंग तो है, 32 से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, लेकिन क्या गलती रही तो चलो देखते हैं। देखिए इस बच्चे के नंबर कटे हैं कई जगह, और आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एक लेटर लिखने के लिए दिया गया था, 10 नंबर का लेटर था। ये रहा वो क्वेश्चन पेपर, और जिसमें लास्ट में दिया गया था एक 10 नंबर का लेटर लिखकर दिखाइए, और इस लड़की ने लेटर लिखा, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको यहाँ छोड़ दिया। वजह कुछ भी रही होगी, नहीं आया होगा या टाइम खत्म हो गया होगा, लेकिन इसके दिमाग में ये रहा होगा कि मैं इतना लिख दूंगी तो 10 नंबर में से आधे या एक या दो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये गलत बात है। मैडम आप इतना लिखेंगी या इतना लिखेंगी, डजंट मैटर, अगर आपने पूरी एंडिंग नहीं की तो वो काट दिया जाएगा, वो परफेक्ट में नहीं आएगा। अगर आपकी गलती गलत फहमी है कि मैं आंसर को प्रॉपर ना दूँ, इतना लिख दूँ, कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा, तो चेकर इस बात को नहीं मानता है, और जाहिर सी बात है क्यों माने, क्योंकि आपने प्रॉपर आंसर नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर, ये जो आंसर है ये रॉन्ग हो गया है, लेटर आपका इतना सा रह गया, बल्कि इसको इतना भी होता लेकिन एक प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए थी। आइए एक दूसरा टेस्ट पेपर ले लेते हैं। तो मेरे हाथ में एक और टेस्ट पेपर है, और इसकी अगर गलतियों को मैं दिखाऊं तो मुझे लगता है कि नंबर जो कटे हैं आपके, हाँ जी चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर था 3 नंबर का, और 3 नंबर से हमारे दिमाग में आता है छोटा सा आंसर दे दो, तो उन्होंने एक छोटा सा 3 लाइन का आंसर दे दिया, ये गलत निकला। अगर क्वेश्चन में आप प्रॉपर आंसर नहीं लिखते हैं 3 नंबर का, आई मीन टू से कम से कम 6 से 7 लाइन आपको लिखनी चाहिए थी, तो यहाँ पर ये मिस्टेक रही। फिलहाल इनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं आपके 100 में से 47 नंबर आए हैं, और 47 मार्क्स में इन्होंने कहाँ मार्क्स कटवाए, नंबर जो कटवाए हैं वो ये कटवाए हैं। हाँ मिल गया, इन्होंने लेटर लिखा और प्रॉपर लिखा, सब कुछ सही था, लेकिन आप देखेंगे कि लेटर का फॉर्मेट गलत है। आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए लिखा, लेकिन दूसरा एड्रेस जो एप्लीकेशन में होता है वो नहीं था, सब्जेक्ट लिख दिया डियर सर डियर मैडम गायब था। तो ये गायब होने की वजह से फॉर्मेट के नंबर काट लिए गए, और 10 नंबर के लेटर में ये कमा सकती थी 7 नंबर, 4 नंबर इनको मिले हैं। अच्छा, और एक लेटर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उठा लेता हूँ, तो वाओ 83 मार्क्स, कमाल की बात है। ये आप देखेंगे 83 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं, पहले 82 थे, थोड़े बढ़ गए क्योंकि एक चेकिंग इनकी रह गई थी। चलो ये तो अच्छा था, लेकिन 83 में कैसे मिलेगी, ये कमाल की बात है जानने की। सबसे पहले देखो फॉर्मेशन कितना क्लीन है, कितना अच्छा लिखा है। ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, 3 3 3 3 6 3 3 3 4 12, फिर भी मैंने इन्हें 3-3 नहीं दिए, 2-2 दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं अगर ज़्यादा ही दे दूंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल 3-3-3 मार्क्स इन्हें दिए गए, और एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन और पैटर्न इन्होंने लिखा। यहाँ पर एक बड़ा आंसर था, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड और फाइनल ईयर वाली इंग्लिश का। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया, जिसके इन्हें 5 नंबर मिले हैं, और 5 नंबर इसलिए मिले हैं
पांच नंबर इसलिए मिले हैं क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट चीज थी इन्होंने उसको आंसर किया और उसको लिखा, तो ये बहुत अच्छा एकदम सही जवाब था। और इनको अच्छे नंबर और कहाँ मिले हैं, इनको अच्छे नंबर एक तो फॉर्मेशन के साथ ही साथ इनके नंबर दिखे। यहाँ पर इन्होंने लेटर में कमाल की चीज़ करी, कमाल की चीज़ करी लिखे, ये इन्होंने लेटर पूरा लिखा है, सही सब कुछ सही था, फॉर्मेट था, एंडिंग अच्छा किया, लेकिन यार 10 नंबर का इतना सा, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्हें 2 नंबर मिले हैं। वजह क्या थी, इतने से की बात नहीं है, वजह है यहाँ सब्जेक्ट लिखना ये भूल गए, और सब्जेक्ट लिखना भूलने के बाद फॉर्मेट खराब हो गया, आधे नंबर चले गए, 5 नंबर गए। अब 3 नंबर किस बात के गए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, 3 नंबर मिल जाते आपको। अच्छा, लेटर 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 की बात तो मैं बहुत कर रहा हूँ, अब फिलहाल एक पेपर और उठा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास पेपर है, और ये देखिए यहाँ पे जो पेपर है मैं आपको जो शो करना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो दूसरा था जो मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसको पॉज करते हैं, हाँ वापस आ गए। तो गाइज कमाल की चीज़ पता क्या है, हम लोग सोचते हैं पॉइंट बना कर लिखो नंबर मिलेंगे, ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए, मतलब आंसर लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे पॉइंट कौन बनाता है, इसे पॉइंट बनाना थोड़ी कहते हैं। पॉइंट बनाने का मतलब होता है एक प्रॉपर आंसर दो, फिर उसका एक पॉइंट बनाओ और उस पर व्याख्या, यानी उसको पहले बड़ा करके लिखो, फिर एक पॉइंट बनाओ, फिर बड़ा करके लिखो। इन्होंने एक एक लाइन के पॉइंट बना दिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, और उसको आंसर दे दिया, कट गया, गलत है। और साथ ही साथ फिर से देखते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ, सेकंड ईयर वालों का ये है, इनसे पूछा गया था कि उसे पपी जो कौन सी कविता है वो, इफ आई रिटर्न दिस टाइम, इफ आई रिटर्न दिस टाइम में वो पपी क्यों नहीं बनना चाहता है। तो इन्होंने लिखा ए, पपी नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसे वीक नहीं बनना है, बी, पपी नहीं बनना चाहता है कि लोग उस पर दया खाते हैं, सी, ऐसे पॉइंट कौन बनाता है। आप प्रॉपर सबसे पहले लिखते कि ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ पपी बिकॉज, तो एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती। आप ऊपर लिखते पिटिएबल, यानी कि दया खाने, क्यों दया खाते हैं, फिर लिखते पपी कमजोर होता है, क्यों कमजोर होता है, पूरा लिखते, तो ये गलती है। पॉइंट बनाओ, लेकिन इतने छोटे छोटे पॉइंट नहीं बनाते कि आंसर ना दिखे, पॉइंट ही पॉइंट नजर आए। अब जो है एक और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने यहाँ पर है, ये रहा, और इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में मैंने दिया था लिखने के लिए, मैंने आई मीन टू से पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर था, तो उसके अंदर आया था एक रिपोर्ट लिखनी थी, और रिपोर्ट लिखनी होती है तो लास्ट में रिपोर्ट होती है तो वो 10 नंबर की होती है, और उसे अच्छा खासा बड़ा करके लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, और स्पीच टाइप में होता है। तो इन्होंने स्पीच लिखी, ये रही स्पीच, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही वो स्पीच। और इस स्पीच को आप देखेंगे, ये स्पीच इन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी स्पीच है, लेकिन फॉर्मेट गंदा है, फॉर्मेट अच्छा नहीं है। वजह क्या है फॉर्मेट की वजह यह है, ये आप स्पीच देख रहे हैं टेढ़ा भाग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दबाजी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये डेट गलत डाली हुई, ये डेट इधर नहीं, ये इधर की साइड आनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जो लैंग्वेज यूज़ की गई, मेन बात मुद्दे की पे आ जाता हूँ, जो लैंग्वेज यूज़ की गई है ना, वो मुझे लगता है कि कोई 10वीं 11वीं वाला बच्चा करता होगा, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर फाइनल ईयर का पेपर, और लैंग्वेज वही पढ़ के सुनाता हूँ, देखो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्पीच क्या है पहले सुनो। क्वेश्चन था कि फेयरवेल स्पीच है, और आपको 10 नंबर का यह है, 100 से 150 शब्दों के अंदर आपको एक स्पीच लिखनी है, फेयरवेल पार्टी के अंदर माइक पे खड़े हुए आप और सबको संबोधित कर रहे हैं, आप सीनियर हैं, क्या लिखा है बच्चे ने सुनो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय प्रिंसिपल, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गाइज ऐसे 11वीं 12वीं में लिखते थे, रिस्पेक्टेड टीचर्स, हे वो, फॉर्मेट अच्छा नहीं है, क्योंकि फॉर्मल तो ज़रूर है लेकिन एक ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं आ रही है। अच्छा, आज मैं आपके सामने एक बात लेकर आया हूँ, या आई हूँ, आई एम हेमलता, मैं हेमलता हूँ, क्लास फाइनल ईयर की स्टूडेंट, सो दिस इज़ माई फाइनल ईयर, ये मेरा फाइनल ईयर है, आफ्टर वी ऑल गो फ्रॉम देयर, और यहाँ से इसके बाद हम चले जाएंगे, बट बिफोर गोइंग, लेकिन जाने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये फॉर्मेट जो था, ये फॉर्मेट यहाँ पर गलत था, साथ साथ लैंग्वेज बहुत चीप थी, यानी कि एक ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल रही है, लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं एक फॉर्मल तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक जो है मतलब बहुत ही ग्रेजुएट इंसान है, वो माइक पर जब बोलता है तो अलग तरीके से बोलता है, और एक 10th लेवल का जो बच्चा है माइक पर बोलता है अलग तरीके से बोलता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक काऊ का ऐसे आ गया 10 नंबर के लिए, और 10 नंबर में काऊ,
ऐसे आ गया। और 10 नंबर का ऐसे काऊ का 10th क्लास में था 10 नंबर के लिए। और आप क्या लिखेंगे, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड काऊ हैज 4 लेग्स, काऊ हैड 2 हॉर्न्स, काऊ हैज 1 टेल, नंबर नहीं मिलेंगे। वजह ये है बच्चों, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज है। अब आप ग्रेजुएशन लेवल पर हो, काऊ हैज 4 लेग्स 10th क्लास में था, काऊ का ऐसे अब सेम है, काऊ का ऐसे 10th में था, काऊ का ऐसे ग्रेजुएशन में है, क्वेश्चन सेम लेकिन लैंग्वेज अलग। अब लैंग्वेज थोड़ी होनी चाहिए स्पेशल, नई नई वर्ड मीनिंग यूज करो, अच्छे अच्छे ग्रामर यूज करो। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ये था आपका 10th क्लास का वर्ड, लेकिन अब जरा बायोमेट्रिक पर जाओ, जरा देखो किस तरीके से उसका काउ का जरा थोड़ा सा बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन करो, एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करो, तब आपको नंबर मिलेंगे। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर थे, आंसर शीट थी, इनको चेक तो मैं कर रहा हूँ और भी होती रहेंगी। फिलहाल ये है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी वीडियोस अभी रह गई हैं बनानी, और क्लास में थोड़ा सा बिजी हूँ, वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कुछ वीडियो रह गई हैं। जैसे हर नेम इस भारतीय सेकंड ईयर वालों की बहुत डिमांड आ रही है, फर्स्ट ईयर वालों का रूट्स एंड एस्केप रूट्स लार्ज वाली बहुत डिमांड आ रही है, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं जल्दी ही आपके लिए एक फास्ट ट्रैक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें 15 मिनट की वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर के 18 चैप्टर और सेकेंड ईयर के 14 से 15 चैप्टर डिस्क्राइब कर दूंगा। यानी आपको वो जल्दी जल्दी वीडियो देखनी है, फिर आगे वीडियो बनाएंगे अच्छे से देखेंगे। अभी तो एग्जाम सर पे है, 6 तारीख का पेपर आ रहा है, तो इसीलिए मैं बनाने जा रहा हूँ एक फास्ट ट्रैक वीडियो, और फास्ट ट्रैक वीडियो आपकी आने वाली है इस संडे को, और संडे को आप इस वीडियो को देख पाएंगे। पहले सेकंड ईयर वालों की आएगी, क्योंकि सेकंड ईयर वालों का एग्जाम पास है, और फिर आएगी फर्स्ट ईयर वालों की। तो गाइस सेकंड और फाइनल ईयर वाले रेडी हो जाओ, एक फास्ट ट्रैक वीडियो आएगी जिसके अंदर मेरे हाथ में होगी किताब, और जल्दी जल्दी 1 से लेकर 15-14 तक मैं आपको लेसन जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, जिससे आप लेसन याद कर लेंगे और उसकी समरी भी आप लिख कर आ जाएंगे ना, पक्का पास हो जाएंगे। नोट्स बन चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नीचे नंबर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 45 रुपीज के नोट्स हैं, अगर कोई आपको ज़्यादा पैसों में नोट्स देता है तो आप उससे ना लें, क्योंकि लोग अपने नोट्स बना रहे हैं और मेरा नाम उस पर लगा रहे हैं, तो जो ओरिजिनल नोट्स है वो आप मुझसे ले सकते हैं। और जल्दी आप मेरी वेबसाइट पर भी नोट्स, यहाँ पर वेबसाइट आने वाली है, ये लॉन्च होने वाली है, वर्क चल रहा है अभी, इस पर डिज़ाइनिंग हो रही है, तो इस पर भी आप नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर। तो फिलहाल मैं सरताज सर आपसे इजाज़त लेता हूँ, और मैं फिर आऊँगा आपके सामने नई वीडियोस के साथ, और चैनल बनाने वाला हूँ अगले साल से पॉलिटिकल साइंस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, हिस्ट्री के लिए। अब पढ़ाई हो जाएगी इतनी आसान जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना। तो गाइस फिर मिलेंगे, जय हिंद।